सब्सक्राइब कीजिए अपने चैनल टेक राज को और बेल आइकन को दबाकर ऑल प्रेस कर दीजिए लेटेस्ट टेक वीडियोज सबसे पहले देखने के लिए। हेलो एवरीवन, आपके अपने चैनल टेक राज में आपका बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आपका अकाउंट SBI बैंक में है और आपकी जो चेकबुक होती है वो ख़त्म हो चुकी है या भर चुकी है और आप अपनी चेकबुक अप्लाई करना चाहते हो या फिर से उसे लेना चाहते हो, तो दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपने मोबाइल से ही अपनी चेकबुक अप्लाई कर सकते हो SBI बैंक की। जी हाँ दोस्तों, आपको बैंक जाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि दोस्तों आपने देखा होगा कि जब भी हम इन छोटे छोटे कामों के लिए बैंक जाते हैं तो हमें वहाँ पर लाइन में खड़ा होना पड़ता है, हमें वहाँ पर काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लेकिन दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊँगा जिससे आप SBI बैंक की चेकबुक को अपने मोबाइल से अप्लाई कर सकते हो बिल्कुल आसान तरीके से सिर्फ 2 मिनट के अंदर। तो दोस्तों मैं आपको पूरा तरीका बताऊँगा कि कैसे आप चेकबुक अप्लाई कर सकते हो। लेकिन दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पहली बार आए हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन दबा दें जिससे मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं और मैं आपको पूरा प्रोसेस बताने वाला हूँ। दोस्तों सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में योनो SBI एप्लीकेशन को ओपन करना है, जो कि दोस्तों SBI बैंक की एप्लीकेशन है। तो चलिए मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ। जैसे दोस्तों आप इसे ओपन करोगे तो आपके सामने पासवर्ड का ऑप्शन आएगा। तो चलिए मैं इसे पहले पासवर्ड से फ्री करता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे आपके सामने 2-3 ऑप्शन आएंगे, लॉगिन का, व्यू बैलेंस का, क्विक पे का। तो दोस्तों हमें अपनी पासबुक अप्लाई करनी है तो उसके लिए हमें यहाँ पे अपनी ID को लॉगिन करना पड़ेगा। चलिए मैं आपको लॉगिन करके दिखाता हूँ। तो दोस्तों लॉगिन करने के लिए हमें यहाँ पे अपनी MPIN डालनी पड़ेगी। तो चलिए मैं यहाँ पे अपनी MPIN डालता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। दोस्तों लॉगिन करने के बाद हमारे सामने यहाँ पे स्टार्ट इंटरफेस आएगा। जैसे दोस्तों आपको पता होगा तो आपको दोस्तों जाना है सर्विस रिक्वेस्ट पर। यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है, आपको इस पर क्लिक करना है सर्विस रिक्वेस्ट पर। नीचे आके यहाँ क्लिक करने के बाद दोस्तों देखिए आपके सामने फिर से काफ़ी सारे ऑप्शन आएंगे। तो आपको दोस्तों जाना है चेक के वाले, इस चेक वाले ऑप्शन पर। यहाँ आने के बाद दोस्तों आपके सामने फिर से कई सारे ऑप्शन आएंगे, रिक्वेस्ट चेकबुक, इंक्वायरी, स्टॉप चेकबुक, रिवॉक स्टॉप, चेक डिपॉजिट। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमें यहाँ पे अपनी चेकबुक रिक्वेस्ट करनी है यानी कि अप्लाई करनी है, तो हमें यहाँ पर रिक्वेस्ट चेकबुक वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे दोस्तों आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपके सामने आपके अकाउंट का ऑप्शन आएगा कि आपको किस वाले अकाउंट पे अपनी चेकबुक अप्लाई करनी है। तो दोस्तों अगर आपके एक से ज़्यादा अकाउंट है तो यहाँ पर सब शो हो जाएंगे। तो मेरा एक ही अकाउंट है तो मैं उसे सिलेक्ट कर लेता हूँ। अगर आपके एक से ज़्यादा अकाउंट है इस बैंक में तो वो सारे यहाँ पर शो हो जाएंगे, और जिस भी अकाउंट पर आप अपनी पासबुक अप्लाई करना चाहते हो उस अकाउंट को आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। तो मेरा एक ही अकाउंट मैं सिलेक्ट करता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों आपके सामने एक नीचे ऑप्शन आएगा, आपको उस पर क्लिक करना है। यहाँ क्लिक करने के बाद दोस्तों आपसे पूछ रहा है कि आपको जो चेकबुक अप्लाई करनी है वो कितने पेज वाली करनी है, 10 पेज वाली, 25 पेज वाली, 50 पेज वाली या 100 पेज वाली। तो दोस्तों आप जौन से भी यहाँ से अप्लाई करना चाहते हो आपको सबके अलग अलग रेट मिल जाएंगे, यानी कि सबके अलग अलग चार्ज हैं। दोस्तों 25 वाली का अलग है, 50 वाली का अलग है। जिस तरह की आप यहाँ से अप्लाई करोगे उसी तरह का चार्ज आपके अकाउंट से कट जाएगा। दोस्तों मैं सिर्फ आपको एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ, मैं अप्लाई नहीं कर रहा, तो आपको मैं कोई भी करके दिखा देता हूँ। तो मैं 25 वाली कर लेता हूँ क्योंकि ज़्यादा लोग 25 वाली करते हैं। यहाँ क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको इस पर चेक, इस बॉक्स को चेक कर देना है और नेक्स्ट कर देना है। दोस्तों जैसे ही आप इसे नेक्स्ट करोगे तो दोस्तों आपके सामने फिर से ऑप्शन आएगा कि आप अपनी चेकबुक कहाँ पर मांगना चाहते हो, रजिस्टर्ड एड्रेस पर, लास्ट डिस्पैच एड्रेस पर। दोस्तों लास्ट डिस्पैच क्या होता है कि इससे पहले आपने जो भी चीज़, यानी अपने ATM का, डेबिट कार्ड या फिर जो भी कुछ आपने बैंक की तरफ से मंगाया होगा, जिस भी एड्रेस पर मंगाया होगा उसी एड्रेस पर आपको फिर से भेज दिया जाएगा अगर आप इस बीच वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे। तो दोस्तों अगर आप रजिस्टर्ड एड्रेस पर क्लिक करना चाहते हो तो ऊपर वाले पर कर दोगे। तो दोस्तों ऊपर वाले पर क्लिक करने के बाद जैसे ही आप ये सिलेक्ट करोगे तो आपके सामने आपका रजिस्टर्ड एड्रेस यहाँ पर शो हो जाएगा। फिर आपको दोस्तों नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद दोस्तों आपके सामने आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, जो मोबाइल नंबर आपके बैंक में रजिस्टर्ड है उस मोबाइल नंबर पर आपके एक OTP आएगा। वो OTP आपको आगे आने वाले एक बॉक्स में डालना है। जैसे ही आप बॉक्स में OTP डाल के नेक्स्ट कर दोगे, ओके कर दोगे, तो आपकी चेकबुक दोस्तों अप्लाई हो जाएगी। और दोस्तों जितना टाइम आपको बैंक जाकर अप्लाई करने में लगेगा तो दोस्तों उतने ही दिनों बाद आपके रजिस्टर्ड एड्रेस पर आपकी पासबुक सेंड कर दी जाएगी। यानी कि दोस्तों चाहे आप अपने मोबाइल से अप्लाई करो या फिर आप बैंक जाके अप्लाई करो, आपको दोनों ही केसेस में उतना ही टाइम लगना है जितना टाइम आपको मोबाइल में लगेगा। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपनी चेकबुक अप्लाई कर सकते हो अपने मोबाइल से ही।
जिसमें आपको बिल्कुल भी बैंक की जानकारी नहीं पड़ेगी। आप अपने मोबाइल से ही अपने हिसाब से कौन सी कितने पेज वाली अप्लाई करनी है वो सब आप अपने मोबाइल में देखकर और अपना एड्रेस चेक करके सब कुछ ठीक तरीके चेक करके अप्लाई कर सकते हो, जिसमें आपको सिर्फ 2 या 3 मिनट लगेंगे। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको तरीका अच्छे समझ में आ चुका होगा कि कैसे आप स्टेट बैंक की चेकबुक को अप्लाई कर सकते हो घर बैठे अपने मोबाइल से। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि मैं इस तरह की वीडियो आपके लिए हमेशा लेकर आता रहता हूँ। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।